तो गदर मैं 11 बार देखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश भारत। अभी हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जो अभी गदर फिल्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसी पे अपना राय रखना चाहते हैं। अभी जो गदर फिल्म आ रहा है 11 तारीख को, क्या कुछ बोलना चाहेंगे प्रोफेसर? तो गदर मैं 11 बार देखा था। अभी गदर 2 आ रही है। गदर 1 को मैं 11 बार देखा था, और गदर में सनी देओल की जो भूमिका है वो कॉम्युनलिटी को जो हारमोनी है कि एक गरीब एक मिनिस्टर की बेटी छूट जाती है जंक्शन पे पाकिस्तान जाने के क्रम में, आके रखता है और इन फ्यूचर वो उससे शादी करता है और एक बच्चा भी होता है, और वो लोग फिर चले जाते हैं वहाँ। वहाँ उस लड़की को पाकिस्तान गवर्नमेंट के मिनिस्टर, उसके अब्बा जो हैं वो बहुत सारा कि हिंदुस्तान में मेरी बेटी को। इस टाइप का फिल्म बनना चाहिए या नहीं बनना? अरे ये तो गदर 1 जो उन्होंने बनाया था सनी देओल ने, वो डायनेमिक फिल्म थी और उनकी भूमिका तो अजीब थी कि जब उसने कहा कि इसको यहाँ मारे जाओगे जी। तो उसने चापा कल उखाड़ के और ऐसा भांजा कि सब लोग ये हो गए और इंजन लेके भारत भाग आया। अभी जो सर गदर 2 आ रही है, इसके प्रति आपकी क्या उत्साह है? आपने बोला कि गदर 1 को मैंने 11 बार देखा है, गदर 2 के लिए क्या उत्साह है सर? आप गदर 2 को पहली बार रिलीज होगा 11 को तो देखूंगा जी। लगता है कि उससे कुछ और बढ़ चढ़ के वो भूमिका निभाएंगे, या उसमें जो कमियां रह गई थी सेंसर ने काटा था उसको वो फिर अब करेंगे। बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि गदर 2 को लगने नहीं देंगे। हम तो मिठाई देख के बांटेंगे कि सनी देओल ने बहुत अच्छा। टिकट वगैरह भी फ्री रहेगा? कौन सी टिकट वगैरह भी? भाई ओझा मैं काला धन वाला नहीं हूँ, मैं पेंशन भोगी हूँ जी। लगता है कि भविष्य इससे और उज्जवल होगा और फिर वो फिल्म जगत में बादशाह होंगे। आप पूरा हिंदूवादी नेता हैं क्या सर? बिल्कुल भाई। पाकिस्तान को क्या कुछ बोलना चाहेंगे? पाकिस्तान तो ठंडा है। उसका जो नेता था अभी जेल खट रहा है, अभी जेल में है। जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे प्रोफेसर, इन्होंने बताया अपनी बात को बहुत ही बेवकाफी तरीके से रखा। इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जोश भारत देखते रहे।